साथियों, सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के सफर में अक्सर लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। उन्हीं गलतियों में से एक गलती है छोटी छोटी रकम की वैल्यू को ना समझना। लोगों को लगता है कि निवेश करने के लिए बड़ी रकम होनी चाहिए और उनके पास बड़ी रकम होती नहीं है। जब बड़ी रकम होगी नहीं तो निवेश होगा नहीं। ये समझ में कभी नहीं आया कि कोई आकाशवाणी नहीं होगी, कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलने वाला कि मुझे उस समय से पैसे बचाना या पैसों का निवेश करना शुरू करना चाहिए। अब जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, वो कैसे अमीर बन जाते हैं? वो पाई पाई बचाते हैं और सही तरीके से निवेश करते हैं, तभी तो अमीर बनते हैं। उन्हें पाई पाई की वैल्यू पता होती है, लोगों को पता ही नहीं होता। कुछ लोगों को कॉफी पीने का चस्का होता है, कुछ लोगों को सिगरेट पीने का, कुछ लोगों को तंबाकू खाने का, और इसी तरह के शौक लोगों में अक्सर देखे जाते हैं, जिसमें रोजाना 50 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक लोग खर्चा कर देते हैं और उन्हें इस बात का जरा भी अफसोस भी नहीं होता। ये सारे शौक ऐसे हैं जिनसे खुद इंसान का भी कुछ भी भला नहीं होता। सोचो, अगर वही 50 या 100 रुपए वो कहीं निवेश करते होते तो आज उनके पास में एक बड़ी रकम होती। आज के टाइम की बात करें तो आज एक सिगरेट लगभग 15 या 20 रुपए की आती है। अगर 3 सिगरेट पूरे दिन में पी ली तो लगभग 50 या 60 रुपए धुएं में उड़ गए। अगर आप सोचो कि 50 या 60 रुपए की सिगरेट ना पीकर आपने उन्हें जोड़ दिया तो महीने के हो गए कितने? 1500 रुपए। और इन 1500 रुपए को आपने निवेश करना शुरू किया अच्छी जगह, तो 10 साल में आपके पास आ जाएंगे लगभग 3 लाख रुपए। थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए, 15 साल के लिए निवेश कर दीजिए तो आपके पास आ जाएंगे लगभग 6 लाख रुपए। थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दिया, यानी 20 या 21 साल के लिए निवेश किया तो आपके पास आ जाएंगे लगभग 11 लाख रुपए। सोचिए, केवल 50 रुपए प्रतिदिन की बचत, जिसे आप धुएं में उड़ा रहे हैं, अगर उसे जोड़ दिया तो कितनी बड़ी रकम आपके पास आ सकती है। केवल 50 रुपए आपको लाखों रुपए कमाकर दे सकता है। तो इसलिए छोटी छोटी चिल्लर की वैल्यू समझिए, इसे बचाइए और फिर निवेश कीजिए। आपके अमीर बनने में ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, या तो बेकार के शौक छोड़कर उतना निवेश करना शुरू कीजिए, या अपने बेकार के शौक के बराबर के अमाउंट को शौक पूरे करते हुए निवेश करना शुरू कीजिए। कोई रकम छोटी नहीं होती है, पाई पाई का मोल होता है। ये पाई पाई बचाकर भी आप एक बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नव जागृति को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकॉन को हिट करना न भूलें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।